بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وزع للناس نت نت سجوگی نے آنا نہیں نت نت سجوگی نے آنا نہیں तेरी गली विच नाद वजाना नहीं नित नित सजोगी ने आना नहीं तेरी गली विच नाद वजाना नहीं तुसा सुनना ते असा सुनाना नहीं सदा सुंदा जाई गदा दे तू साई वहदत नाद वजा दे तू दिल कुदसिया दे तड़पा दे तू ओथे किसे दा चलना चारा नहीं मियां अमला बाज छुटकारा नहीं एथे फेरा फेर दुबारा नहीं दिला समझ मेरे समझाने नू। अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद बेशमार ला तादाद दुरूदो सलाम इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते गिरामी ते। दोस्तों बुजुर्गो, मेरे तो कबल शेख कारी इमरान सैफ अलवी साहब हाफिज़ाहुल्लाह ताला साढ़े शाम कोट दे मरकजी खतीब बयान फरमा रहे सन और इंशाल्लाह मेरे तो बाद फाजले नौजवान मुहक्क और आलिम बा अमल हजरत मौलाना मेरे बड़े भाई शेख कारी अब्दुल्ला सलीम साहब मरकजी खतीब खुड़िया खास इंशाल्लाह ओ भी अल्लाह दे फजल नाल अल्लाह दी रहमत नाल बयान करनगे। दुआ करो अल्लाह सुन सुना के अमल दी तौफीक अता फरमाए।
दोस्तों बुजुर्गों, इंशाल्लाह मैं पंजियां तीन मिनटा तो आगे नहीं जावांगा और इस थोड़े जा टाइम अंदर बैतुल्ला दी अजमत और शान तुसा हजरात दे सामने बयान करांगा। दुआ करो अल्लाह सानू सारिया नू बार बार हरमैन शरीफैन दी ज़ियारत नसीब फरमाए। जड़े चले गए ने ओ भी तड़प रहे ने, जड़े नहीं गए ओ भी तड़प रहे ने। मैनू पता लगा इत्थे कुछ अल्लाह वाले अल्लाह दे घर दियां ज़ियारतां करन लई जा रहे ने। अल्लाह पाक जड़े भी जा रहे ने अल्लाह करीम अपनी बारगाह अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। जिन्हां दा दिल करदा अल्लाह जल्दी जल्दी अल्लाह करीम ऐसे साल ही हरमैन दी ज़ियारत नसीब फरमाए। और बैतुल्ला शरीफ नाम है काबा, असल च काबा उन्हों आख्या जाता है जिंदियां चार नुकरा होन। चौं नुक इनू काबा इस वास्ते आख्या जाता है जड़े हाजी गए ने हज करन वास्ते या उमरा करन वास्ते, उन्हां नू पता है ये गोलाई च नहीं, यानी इहदियां चार नुकरा ने जिवें कमरे दियां चार नुकरा होंदियां ने ना, इस वास्ते चौं नुकरा की वजह करके इनू काबा आख्या जाता है। और ये बैतुल्ला शरीफ अल्लाह की जमीन ते सब तो पहला घर जे बनाया गया है ते मस्जिद हराम बैतुल्ला शरीफ बनाया गया है। और सब तो पहले जमीनों आसमान का निज़ाम हाले कायम नहीं सी, अल्लाह सुबहानहु ने जिथे इस वक्त बैतुल्ला शरीफ है ना, इत्थे झग नवा जिवें पानी दे उछला आंदा झग जमा हो जांदी, एवें झग जमा होगी जिथे बैतुल्ला शरीफ इस जगह ते। और वो झग 40 साल तक उत्थे खड़ी रही। उस तो बाद अल्लाह सुबहानहू ने वल अर्ज़ा बादा ज़ालिका दहा, अल्लाह दे उस तो बाद फिर उन्हों मैं फैला दिता, ओ जमीन बन गई। और जिथों जमीन दा आगाज होया उत्थे ही बैतुल्ला अल्लाह ने बैतुल्ला शरीफ काबा खाना बना दिता है। और ये बैतुल्ला शरीफ अफजल है, इनकी शान बहुत ज्यादा है। हाँ सवाल है, क्या बैतुल मुकद्दस अफजल नहीं? क्या बैतुल मुकद्दस? हाँ अफजल है बैतुल मुकद्दस। मस्जिद अक्सा उत्थे बड़े बड़े अंबिया ने आके आराम गाह कीता है, इस वास्ते बैतुल मुकद्दस की शान ज्यादा है। नहीं नहीं ठीक है, ओ आराम गाहे अंबिया है, लेकिन बैतुल्ला मक्का मुअज़्ज़मा वलादते गाह मुस्तफा है। इत्थे मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी पदाइश इस जगह ते होई। हाँ बैतुल मुकद्दस अफजल है, क्यों अफजल है? ओनू बनान वाला ओंदा हुक्म देन वाले हजरत नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ओनू बनान वाले ओनू तामीर करन वाले जिन्ना दी बहुत बड़ी जमात है, लेकिन बैतुल्ला शरीफ दी शान ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बैतुल्ला बनान वाला बैतुल्ला दा हुक्म देन वाला खुद अल्लाह आसमान वाला है, और बैतुल्ला नू ए सेटिंग करन वाला इंजीनियर ओ रूहुल अमीन जबरीले अमीन ने, और बैतुल्ला नू बनान वाला मिस्त्री ओ खलीलुल्लाह, और मजदूरी करन वाला जबीहुल्लाह। इस वास्ते इंदी शान तामी उस तो ज्यादा है। बाबा जी आदम अलैहि सलाम जमीन ते आए, सब तो पहले अल्लाह दे घर बैतुल्ला नू फरिश्तियां ने तामीर कीता। सब तो पहले
ए जनती याकूत मोतियां दे नाल बैतुल्ला शरीफ नू बनाया गया। ए पत्थर पुत्थर ते हैन कोई नहीं सन, अल्लाह सुबहानहु ने जमीन ते जिवें बैतुल्ला शरीफ इंदे मद्दे मुकाबल सतवें आसमान ते बैतुल मामूर जिंदा फरिश्ते तवाफ करदे ने इवें जमीन ते बैतुल्ला शरीफ इस बैतुल्ला दी अजमत ते शान है। क्यामत तक परिंदियां दियां डारां ते उपर आणगियां पर बैतुल्ला उपर नहीं गुजरन गियां। अल्लाह नहीं चाहता इन्हां परिंदियां दे थले मेरे घर आ जान। इवें आसमान तक दूसरे आसमान तो तीसरे चौथे छेवें सतवें आसमान तक बैतुल्ला जिंदा आसमान ते बैतुल मामूरे ओंदी पमैश दे मुताबक इस जमीन ते बैतुल है। ओंदा तवाफ जिमें फरिश्ते कर रहे ने इंदा तवाफ इंसान कर रहे ने। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने सब तो पहले बैतुल्ला नू जनाबे जिबरील ने और फरिश्तियां ने तामीर कीता अल्लाह दे हुक्म दे नाल। उस तो बाद टाइम लंघदा गया हजरत आदम अलैह सलाम जमीन ते आए। आदम अलैह सलाम दा दिल लगदा कोई नहीं, कहन लगे या अल्लाह मेरा दिल लगदा नहीं, ना ते मेरे कन्ना विच फरिश्तियां दी आवाज आ रही है क्योंकि मैं बैतुल मामूर ते वेखे है फरिश्ते सुबहान अल्लाह पढ़ रहे सन। उन्हां दियां आवाजा मेरे कन्ना च आंदियां सन, हुण आवाजा भी नहीं आ रही। अल्लाह कोई खास तेरी बंदगी वास्ते जगह नजर नहीं आ रही। अल्लाह पाक फरमान लगे जिबरील जाना मेरे आदम दे नाल रहनमाई दे तौर ते चला जा जिथे बैतुल्ला शरीफ सी। इथे जनाबे जिबरील आए, हाले कुछ निशान बाकी सी। अल्लाह पाक फरमान लगे जिबरील अंज कर अपना पर मार। जनाबे जिबरील ने अपना अंज करके पर मारिया जिथों तक पानी जनाबे जिबरील दे पर विच इन्नी ताकत ओने पानी तक बुनियादा कढ़ के रख दित्तियां। जनाबे जिबरील ने पर मारिया एडा वड्डा पारे जनाबे जिबरील दा। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने दोवां जहाना दे सरदार फरमांदे ने मैं जिबरील नूं ओंदी असली हालत च अपनी जिंदगी च दो वारा वेख्या और मेरे ते गशी तारी हो गई। मैं इवें समझिया कि मैं अल्लाह नूं वेख बैठा वा। एडा वड्डा जिबरील आ फरमांदे ने जिबरील ने दो पर खोले, इंदा एक पर मशरक अंदर एक मगरब अंदर। अल्लाह ने जिबरील दे परां दे उत्ते अल्लाह ने बेहतरीन मोती लाए ने। आ फरमान लगे ओ मोती एडे एडे वड्डे ने। एक मेरे नबी ने पहाड़ वाले इशारा करके फरमाया जिडा बहुत बड़ा पहाड़ है एडे एडे मोती जिबरील दे परां ते लगे होए ने। आपे अंदाजा लगाओ किन्नी ताकत दा मालिक है। जिबरील ने पर मारिया जिथों तक पानी है जिबरील ने बुनियादा कढ़ छड़िया। अल्लाह पाक फरमान लगे जिबरील मेरे आदम नू कह दे पांच किस्म दे पत्थर लिया के, पांच किस्म दे पत्थर लिया के बैतुल्ला दियां बुनियादा तो बैतुल्ला नू शुरू कर दियो। सब तो पहला पत्थर जिहड़ा बैतुल्ला दी तमीर करन वास्ते रखिया गया है जिन्हों बाबा जी आदम अलैह सलाम ने बैतुल्ला दियां बुनियादा ते रखे है वह कोहे लबनान। उस तो बाद कोहे तोर, उस तो बाद जोधी पहाड़ दे पत्थर लैके, उस तो बाद अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने तूरे ज़ैदा दे पत्थर लैके जनाबे आदम अलैह सलाम अन करके बुनियादा भरिया जा रही ने। उस तो बाद तीसरी मरतबा जदों अल्लाह
पाक ने नूह अलैहि सलाम दी कौम ते तूफान आया। अल्लाह पाक ने ए बैतुल्ला दे करीब पानी आ रहा है। अल्लाह पाक फरमान लगे जबरील अपने पर ते बैतुल्ला उठा के आसमान ते लाया। अल्लाह पाक ने जमीन तो इस बैतुल्ला नु चुक लिया, आसमाना ते बैतुल्ला चला गया। हुण जमीन ते बिल्कुल सैलाब आ गया। हुण तीसरी मरतबा जनाबे शीश अलैहि सलाम दे जमाने च अल्लाह दे नबी शीश अलैहि सलाम ए भी अल्लाह दे नबी सन, इन्हां ने बैतुल्ला दे इक पत्थर नवा उथे निशान पिया सी, अल्लाह दे हुक्म नाल आके उथे बैतुल्ला तामीर कीता। चौथी मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने तामीर कीता। पंजवी मरतबा अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद दोवां जहाना दे सरदार ने फरमाया। इब्राहिम अलैहि सलाम तो बाद पंजवी मरतबा कौमे मालका ने बैतुल्ला नूं तामीर कीता। छेवीं मरतबा एक बनो जुर्म दे कबीले दा सरदार किंदा ना हारस बिन जमामे उन्हें बैतुल्ला नूं बुनियादा तो यानी जमीन तो उपर चुकया, उन्हें बैतुल्ला नूं तामीर कीता। उस तो बाद एक कुसा बिन कलाब, कुसा बिन कलाब एक इंसान है। ये पंजवी पीढ़ी विच मेरे पाक मुहम्मद दे दादा जी लगते सन। इन्होंने बैतुल्ला नूं तामीर कीता। उस तो बाद अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी उम्र 35 साल दी हो गई। बैतुल्ला दी हालत खस्ता खस्ता हो गई। इन्हां मक्के वालियां ने अल्लाह दे पाक पैगंबर दी मौजूदगी विच बैतुल्ला तामीर कीता। उस तो बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर ने बैतुल्ला तामीर कीता। दसवीं मरतबा हज्जाज बिन यूसुफ जिन्ने जुल्म दी इंतहा कर दी। हज्जाज बिन यूसुफ ने इन्हें सिहाबा किराम नू हज्जाज बिन यूसुफ ने शहीद किया, इन्हें सिहाबा नू मारे। इस दे बावजूद हज्जाज बिन यूसुफ दा आखरी टाइम मां कोल आके बह जांदी। मां कहन लगी ओ हज्जाज अल्लाह दे दरबार च की मुंह लैके जाएगा। हज्जाज बिन यूसुफ कहन लगे नी मां ए मैनू पता है मैं किन्ने सिहाबा ते जुल्म कीते ने, लेकिन एक मैनू गल दा जवाब दे दे, अगर मैं तेरिया अखां दे सामने अग च छाल मारा ते की करेंगी। मां चीख मार के आंदी आंदी हज्जाज तेरे छाल मारन तो पहले पहले मैं खुद छाला मार देंगी। आखन लगे नी मां जिंदे दरबार च मैं पेश हो रहा हां तेरे वर्गियां 70 मावां भी होण ते ज्यादा प्यार कर दे। अल्लाह दे दरबार विच मैं मुआफी दियां उम्मीदां लैके जा रहा हां। हज्जाज बिन यूसुफ ने दसवीं मरतबा हज्जाज बिन यूसुफ ने बैतुल्ला नूं तामीर कीता। और 11वीं मरतबा कुस्तुस्तुनिया दा सुल्तान, कुस्तुस्तुनिया दा सुल्तान मुराद इबने अहमद ने उन्हें बैतुल्ला तामीर कीता। इस टाइम जो मौजूदा बैतुल्ला शरीफ है ये उस बादशाह इबने अहमद उन्हें तामीर कीता। ये बैतुल्ला ओ बैतुल्ला जिन्हों एक झलक वेख लईए जिंदगी दे सारे गुनाह ही माफ हो जांदे ने। एक वारा बैतुल्ला नूं ए अल्लाह पाक ने अजमत दीती है, अल्लाह पाक ने शान दीती ए बैतुल्ला नूं शान दीती है। तेरी ऐस बस्ती दे अंदर हर किस्म दी बंदगी हो रही है। रोजा इत्थे भी रखिया जा रहा है, रोजा पाकिस्तान अंदर भी रखिया जा रहा है। अल्लाह दी जमीन दे हर कोने ते मस्जिद चों आवाजां आ रही ने, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। दुआ करया कर मौला खात्मा बेलीमान कर दी। अल्लाह सोनिया जे मुकद्दर साथ दे देन अजान कह रहे हो ये जबान ते जुमला होवे अशहादु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसे हाल च रू परवाज हो जाए, अल्लाह सोनिया तेनू ते मुश्किल ही कौन नहीं। अद्धी रात दा वेला अंध करके सन्नाटा छाया, हजरत उमर
उमर बिन खत्ताब उमर फारूक रसी अल्लाह अंधकार के गश्त कर दें एक घरों एक अम्मा जी रो रही सन अंदरों रोवन की आवाज आ रही जनाब उमर फारूक रसी अल्लाह तालानो अपना कन ला के खड़े हो गए अंध करके सुनी जा रहे ने अपने गुलाम नो कह लगे आंदे ने अल्लाह वाले उमर 14 गल्लां कीतियां ने आसमान तो 14 आयतां आ गईयां ने अल्लाह पाक ने मैनू बड़ी अजमत ते शान अता फरमाई पर सुन लै जो जुमला मैं अंदरों हुण सुन रहा वा उमर ने अज तक जुमला नहीं बोलिया गुलाम कह लगा जी तुसां की सुन लिया जनाब उमर कह लगे अंदरों आवाज आ रही एक अम्मा जी रो के कह रही ने अरशा वालिया रब्बा जिस टाइम मेरी मौत दा वक्त होवे अखां दे सामने तेरे मुहम्मद दी तस्वीर होवे आज तक उमर दे कोलों जुमला नहीं बोलिया गया जो मैं अंदरों अम्मा दे मुंह चो मैं आवाज सुन ली इस वास्ते मालका सानू भी अल्लाह नमा दी हालत च मौत नसीब फरमा दी अरशा वालिया अपने घर दा तवाफ करदिया करदिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक उत्तों आवाज आंदी ओ लब्बैक लब्बैक आखी जाने एक पैर चुक लेंगा 10 गुना माफ कर देंगा अगला पैर रखेगा 10 दर्जे बुलंद कर देंगा जिन्ने पैर चुकी जावेगा अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने एक पत्थर हाले भी उत्थे बाकी ओ जंती पत्थर बाकी सारे पत्थर उठाए गए सन तूफाने नूह दे वेले एक पत्थर बाकी जिन्हों हजरे अस्वद आख्या जांदा है इब्राहिम अलैहि सलाम ने जिस टाइम पत्थर नसब कीता उस वेले इंदे विच्चों अंकर के लाइटां निकलियां इंदे विच्चों रोशनी निकली जिथों तक इस पत्थर दी रोशनी गई है आसमान तो आवाज आई उथों तक हरम पाक दी हद कायम कीती गई है जिथों तक इंदियां लाइटां गईयां ने उथों तक हरम पाक दियां हदां कायम हो गईयां ने इहो पत्थर जिन्हों बाबा जी आदम अलैहि सलाम ने भी बोसा दिता है उन्हें भी हाथ लाया सारे 1,24,000 नबिया ने इनू हाथ लाया इनू बोसे दिते ने यो कीमती पत्थर है जिंदे बारे मेरे नबी ने फरमाया जिंदा दिल चंद है मैं अल्लाह दे हाथ नाल हाथ ला लवा अल्लाह नाल मुसाफा कर लवा हजर असवद नू हाथ ला लवे मैं जिमें अल्लाह नाल मुसाफा प्या कर दें एडी अजमत वाला ए पत्थर है एडी शान वाला ए पत्थर है अल्लाह सोने ए तेरा घर किड्डी कुशान वाला है अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने ए बैतुल्लाह नु अल्लाह पाक ने अजमत अता फरमाई जड़ा बंदा बैतुल्लाह दा तवाफ करदियां करदियां अन करके रहमत दे परनाले दे थल्ले आ जांदा है उत्ते रहमत दा परनाला वग रिहा है रहमत दा परनाला रहमत दे परनाले दे थले आके दुआ मंग लै उत्तों आवाज आंदी है मंग लै की मंगना ही तेरे मंगन विच ते कमी पेशी हो सकती है मेरे देन विच कोई देर नहीं हो सकती उस तो बाद मुकाम इब्राहिम जिथे इब्राहिम अलैहि सलाम दे दोवें पैर लगे हुए ने अज भी वह पत्थर मौजूद है ये मुकाम इब्राहिम है अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहि सलाम दीवारां कर रहे सन दीवारा करद्या करद्या अल्लाह सोनिया हाथ उतां जांदा नहीं हुण की करां फटे ते हैन कोल नहीं अल्लाह पाक फरमान लगे मेरे इब्राहिम ए पत्थर ते खड़े हो जाओ जिन्ना तुहानू उतां जाण दी लोड़ पत्थर उतां हुंदा जाएगा जिन्ना अगां जाण दी लोड़ पत्थर अगां चला जाएगा जिन्ना थले आण दी लोड़ ए पत्थर थले आंदा जाएगा ए ओ पत्थर अज भी उत्थे निशान इब्राहिम
इब्राहिम अलैहि सलाम दे कदमां दे मौजूद ने जिंदे बारे कुरान ने आख्या वत्ताखिज़ु मिन मकामि इब्राहिम मुसल्ला उत्तों आदां दी मकामे इब्राहिम दे कोल आके दुआ मंग लै मैं नहीं मोड़ांगा ए अजमत ते बैतुल्ला दी। उस तो बाद नबी पाक ने फरमाया मना दे मैदान च दुआ करो अल्लाह दुआ नहीं मोड़नगे, अरफा दे मैदान च जाके दुआवा करो अल्लाह दुआवा नहीं मोड़नगे। अपने हाथ विच पानी लै लो जिन्हों जम जम आख्या जांदा जम जम दा पानी हाथी लैके अल्लाह को जो दुआ करोगे अल्लाह आसमान ते फौरी कबूल फरमा लेगा। अल्लाह पाक ने इन्नी अजमत निशान अता फरमाइए अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद दोवां जहाना दे सरदार पैगंबर ने फरमाया जरा बंदा बैतुल्लाह दा उमरा करके आंदा है या हज करके आंदा है अल्लाह उस बंदे नूं गुनाहां कोलों एवें साफ ते पाक कर देंदा है जिवें आजी मां दे पेट विचों आया है। ए शान ते बैतुल्ला दी शान ए अजमत ते बैतुल्ला दी अजमत अल्लाह सोनिया सानू सारिया नू बार बार हर मैन दिया ज़ियारतां नसीब फरमाए। मक्का भी अजमत वाला इब्राहिम अलैहि सलाम ने दुआ मंगी वारज़ुकहुम मिनस समारात अल्लाह सोनिया इत्थे अल्लाह बरकत पा दे। आज भी जाके वेख लो पाकिस्तान दे किसे कोने ते भी ओ फल मौजूद नहीं जड़ा मक्के बैतुल्ला अंदर फल मिल जांदा है। ए सारिया बाबा जी इब्राहिम अलैहि सलाम दियां दुआवां ने अज तेरी बस्ती दे अंदर अजाना भी हो रही ने मुअज्जिन आंदा अल्लाह अकबर ते अल्लाह दी वडियाई अशहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मैं देंदा पिया गवाही अशहादु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ते सच्चा नबी इलाही हैया लसला दे माने ओए तरफ नमाज़ा आओ हैया लफला दे माने आओ खलासी पाओ अल्लाह हो अकबर अल्लाह दी वडियाई ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद बांग मुकाई। आज तेरी बस्ती दे अंदर कुरान भी पढ़िया जा रहा है इत्थे अजाना भी हो रही ने इत्थे जमातां भी हो रही ने लेकिन एक इबादत ऐसी ओ दुनिया दे किसे कोने ते भी नहीं ओ सिर्फ और सिर्फ है ते बैतुल्ला शरीफ अंदर ओ है तवाफ अल्लाह दी कसम ओ है तवाफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाह दी जमीन ते हर तरह दी बंदगी सारी जमीन ते हो सकती है जे नहीं हो सकता ते किते तवाफ नहीं हो सकता जे तवाफ हो सकता है ते बैतुल्ला शरीफ दा हो सकता है। अल्लाह करीम सानू सारिया नू बैतुल्ला दी ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह करीम बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। वा आखिर दा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।